ताज नगरी में यमुना पर बना अंबेडकर पुल इन दिनों मौत का कुआं बना हुआ है, जहां ताज और दीदार को आने वाले पर्यटकों के साथ आम शहरी भी जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं, जिससे होकर देशी विदेशी पर्यटक आज ताज और दीदार को पहुंचते हैं तो आम शहरी रोजमर्रा की जिंदगी में इसी पुल से होकर गुजरते हैं। बसपा सरकार ने 30 करोड़ की लागत से साल 2010 में इसको बनाया था। पुल इतना क्षतिग्रस्त हो चुका है कि बीम की सरिया भी टूट चुकी है। बावजूद इसके लोग जान हथेली पर लेकर इस पुल को पार कर रहे हैं और जिम्मेदारों ने अभी तक इस पुल को भारी वाहनों के लिए बंद तक नहीं किया है। लगभग 1 लाख लोग आते हैं और जाते हैं उस पुल से होके, तो महत्वपूर्ण पुल है और उसमें चटकने की अभी सूचना प्राप्त हुई है और उसे कुछ कमजोर भी हो रहा है। तो ये सेतु निगम के द्वारा बनाया गया ये ब्रिज है, हालांकि नगर निगम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं संबंधित अधिकारियों से बात करूँगा कि इस पुल पर इसका परीक्षण भी करा लिया जाए कि चलने लायक अब है कि नहीं है। अगर नहीं चलने लायक तो उसे तत्काल बंद कराया जाए।